दोस्तों, फिल्मी दुनिया में अनगिनत कलाकार आए और गए, किसी के गॉडफादर थे तो किसी के नहीं। लेकिन आज हम जिस कलाकार की जीवनी आपके लिए लेकर आए हैं, उस कलाकार का तो पूरा परिवार ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा रहा, इसलिए उसे फिल्मों में आने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उसने फिल्मों में थोड़ी देर से एंट्री मारी, लेकिन आते ही अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने लगा। एक अच्छा स्टारडम मिलने के बावजूद भी वो अपने फिल्मी करियर में ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्मी दुनिया में एक अच्छा स्टारडम पाने वाले अभिनेता और निर्माता संजय कपूर के बारे में। उन्होंने फिल्मी दुनिया में स्टार्टिंग में सफलता हासिल की, लेकिन जब उनके करियर का ग्राफ नीचे आने लगा तो उसके बाद वो फिर कभी ऊपर नहीं गया। हालांकि दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी है, लेकिन वो दर्शकों के बीच अपने अभिनय की छाप छोड़ने में लगभग असफल रहे। आज हम आपको उनके प्रारंभिक जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनसे जुड़ी हर छोटी बड़े तथ्यों से अवगत करवाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। संजय का जन्म 17 सितंबर साल 1965 को मुंबई के चैंबूर में हुआ था। एक अच्छे परिवार में जन्म लेने की वजह से उनका पालन पोषण भी अच्छे से हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही पूरा किया। परिवार के ज्यादातर लोग, जैसे कि उनके पिता और भाई, सभी फिल्मों से जुड़े रहे। इसके चलते उन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहा। अपने परिवार के सपोर्ट से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और साल 1995 में बॉलीवुड फिल्म प्रेम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री तब्बू थी। उस फिल्म में वो एक मुख्य किरदार में नजर आए और उस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बतौर अभिनेता उनकी पहली फिल्म ही सफल रही। दर्शकों ने उसे रोमांटिक और ड्रामा फिल्म को काफी प्यार दिया। वो दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। हालांकि फिल्म का निर्माण काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन फिल्म ने आते ही आलोचकों के मुंह का ताला बंद कर दिया। उसके बाद उसी साल वो अपनी दूसरी फिल्म राजा में नजर आए, जिसमें उन्होंने राजा पतंगवाला के किरदार में मुख्य भूमिका निभाई। उसमें उनके साथ मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नजर आई। बतौर मुख्य अभिनेता उनकी दूसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। उसमें दोनों ने मिलकर शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। दर्शकों के द्वारा दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। उनकी तीसरी फिल्म कर्तव्य भी उसी साल रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने करण सिंह की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी ये फिल्म पहली और दूसरी फिल्म जितना बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन वो दर्शकों के बीच अपनी धाक जमाने में कामयाब हुए। उसके बाद साल 1996 में आई फिल्म बेकाबू में वो दिखाई दिए, जो उनकी चौथी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेता कई और फिल्मों में अभिनय किया, जैसे औजार, मोहब्बत और सिर्फ तुम। साल 2001 में आई फिल्म छुपा रुस्तम अ म्यूजिकल थ्रिलर के अलावा उनकी अन्य कोई फिल्म मुख्य अभिनेता के रूप में सफल नहीं रही। इसमें उन्होंने राजा और निर्मल की भूमिका निभाई थी। इसके गाने दर्शकों को काफी पसंद आए थे। उसके बाद वो कुछ और फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में नजर आए। साल 2002 में उन्होंने कोई मेरे दिल से पूछे फिल्म में ईशा देओल के साथ उनके मानसिक पति की भूमिका निभाई, जो एक नकारात्मक भूमिका थी, और वो पहली बार खलनायक के किरदार में नजर आए। हालांकि उनके उस भूमिका और अच्छे प्रदर्शन के लिए आलोचकों ने उनकी तारीफ की। कयामत, सिटी अंडर थ्रेट, जुली, लक बाय चांस और शानदार जैसी फिल्मों में उन्होंने एक सहायक अभिनेता के रूप में काम किया। उसके बाद साल 2017 में उन्होंने पहली बार फिल्म मुबारका में अपने भाई के साथ एक कैमियो की भूमिका निभाई। उन्होंने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माता के रूप में काम करने का फैसला किया। साल 2009 में क्या टाइम है यार और साल 2014 में तेवर जैसी दो फिल्मों का निर्माण किया। तेवर में उन्होंने अपने भतीजे अर्जुन कपूर को लॉन्च किया। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो प्रोडक्शन में क्यों आए, तब उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खैर, प्रोड्यूसर होना तो हमारे खून में है। फिलहाल मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन जब मैं बोनी की फिल्मों में काम कर रहा था तो मैं वहां भी बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहा था। हालांकि मैं पिछले 15 सालों से प्रोडक्शन में आना चाहता था, क्योंकि मुझे जिस तरह की फिल्में मिल रही थी उससे मैं खुश नहीं था, इसलिए मैं प्रोड्यूसर बनने के अपने विचार से खिलवाड़ कर रहा हूं। संजय ने फिल्मों में अभिनय करने के साथ कई टीवी धारावाहिकों में भी अपनी किस्मत आजमाई। साल 2003 में उन्होंने टीवी सीरियल करिश्मा द मिरेकल ऑफ डेस्टिनी में अभिनेत्री करिश्मा कपूर के साथ अभिनय करते हुए टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की। साल 2017 में विक्रम भट्ट के टीवी धारावाहिक दिल संभल जा जरा में उन्हें अभिनेत्री स्मृति कालरा के साथ कास्ट किया गया। आपको बता दें कि ये शो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपनी उम्र से छोटी लड़की से शादी करता है और अपनी शादी को सफल बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने टीवी फिल्म फैशन स्ट्रीट में संजय ठाकुर की भूमिका निभाई है। उसके अलावा उन्होंने कुछ और धारावाहिकों में अभिनय किया। साथ ही वो माधुरी दीक्षित के साथ नेटफ्लिक्स पर द गेम फेम वेब शो में भी दिखाई दिए। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने पूर्व अभिनेत्री महीप कपूर से शादी किया है। कुछ सालों तक दोनों ने एक दूसरे से प्रेम किया और फिर साल 1997 में शादी कर लिया।
महिप ने कई टीवी शोज में अभिनय किया है। दोनों के दो बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बेटा है और दूसरी बेटी। बेटे का नाम जहान कपूर है, जो अभी 17 साल का है और पढ़ाई करता है। बेटी का नाम शनाया कपूर है, जो कि एक एक्ट्रेस है। अभिनेत्री जानवी कपूर और खुशी कपूर उनकी भतीजी हैं, जो बोनी कपूर की बेटी हैं। सोनम कपूर और रिया कपूर भी उनकी भतीजी हैं और दोनों ही अभिनेत्री हैं, जो अनिल कपूर की बेटी हैं। सोनम अपने पिता अनिल कपूर की तरह ही फिल्मों में शानदार अभिनय करते नजर आती हैं। उनके द्वारा अभिनीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार सलमान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिनेता हर्षवर्धन कपूर और अर्जुन कपूर उनके भतीजे हैं, जो एक अभिनेता हैं। अर्जुन एक प्रसिद्ध अभिनेता है, उन्होंने कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया है। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि उनके पिता एक फिल्म निर्माता थे, जिनका नाम सुरिंदर कपूर है। उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण किया है और फिल्म इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 85 साल की उम्र में साल 2011 में उनका निधन हो गया। उनकी माता का नाम निर्मल कपूर है, जो कि एक हाउसवाइफ थी। आज वो 88 साल की हो चुकी हैं। उनके दो बड़े भाई हैं, एक का नाम बोनी कपूर है और दूसरे का नाम अनिल कपूर। बोनी कपूर भी अपने पिता की तरह एक फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया है। उनकी पहली पत्नी का नाम मोना शौरी कपूर और दूसरी पत्नी का नाम श्रीदेवी कपूर है, और दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। वहीं पर अनिल कपूर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया है और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। अनिल की पत्नी का नाम सुनीता कपूर है। संजय की बहन का नाम रीना कपूर है, जो कि एक ऑथर है, और उनके पति का नाम संदीप मारवा है। वो एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के प्रेसिडेंट है। मोहित मारवा और अक्षय मारवा उनके बेटे हैं। मोहित एक इंडियन एक्टर है, वहीं पर अक्षय एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के CEO हैं। हालांकि संजय ने कई सारी फिल्मों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी कुछ हिट फिल्में भी रही हैं, लेकिन उन्हें किसी भी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। दोस्तों, संजय ने फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को बहुत रोमांचित किया है, लेकिन वो अपनी सफल करियर को आगे तक ले जाने में असफल रहे हैं। फिर भी फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो अपने भाई की तरह फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान नहीं बना सके, लेकिन दर्शक उन्हें अभी भी उनके द्वारा अभिनीत फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए याद करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। आज वो 57 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। उम्मीद है कि वो आगे भी अपने अभिनय से अपने चाहने वालों को एंटरटेन करते रहेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।